देखिए, मैं आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब के पास मिलने के लिए आया था कि कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जो जिनकी पत्नी हमारे पार्टी के MIM पार्टी की तरफ से महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता रही है, अरुण गोडे खुद हमारी पार्टी से चुनाव लड़े हैं विधानसभा का और पार्टी में उनका बहुत बड़ा मुकाम है। उनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट के जो नए DCP ज्वाइन हुए हैं, वो DCP के साथ कुछ बातें हुई थी और उसके बाद जो अखबारों के अंदर खबर आई थी, वो खबर के ताल्लुक से हम आए थे कि एक बात समझ में आ रही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अरुण बोर्डे या MIM पार्टी को बदनाम करने के लिए ठेका लेके रखे हुए हैं और उनकी एक साजिश है कि किसी ना किसी तरह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को और पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ साजिशें रची जाती है। अखबारों के अंदर जो खबर आई थी वो पूरी तरह से गलत खबर थी। इसका खुलासा पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद किया है। उन्होंने DCP साहब से बात करके भी ये बताया है कि मतलब ये इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। अब अखबार वाले क्या छाप रहे हैं, हमने ये तय किया है कि जिन जिन अखबारों ने इस तरह का खबरें डाली है, सिर्फ MIM पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरुण बोर्डे को बदनाम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, तो हम उनके खिलाफ है तो कार्रवाई करके डिफेमेशन सूट्स हम फाइल करने के लिए अरुण बोर्डे साहब को और पार्टी की तरफ से हम ये अखबार वालों के खिलाफ हम ये कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि अरुण बोर्डे हो या पार्टी के कोई भी लोग, अगर किसी के साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे। अरुण बोर्डे के ताल्लुक से इस मैटर के अंदर मैंने पूरी जानकारी खुद अरुण बोर्डे से हासिल की थी, पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे पूरी तरीके से बताया है। अब ये बात सही है कि पुलिस का कंट्रोल अखबारों के ऊपर होता नहीं है। अब अखबार वाले क्या छापते हैं तो अखबार वालों के साथ कैसा डील करना है उसके भी रास्ते हमें आते हैं, अब उस हिसाब से वो अखबार वालों के साथ डील करें। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।